और यूपी के भदोही लोकसभा चुनाव में भी पीठासीन अधिकारी ने बीजेपी विधायक दीनानाथ भास्कर पर मारपीट करने का आरोप लगाया, जिसके बाद बीजेपी विधायक ने भी पीठासीन अधिकारी पर फर्जी वोटिंग करवाने का आरोप लगाया है और साथ ही जिलाधिकारी से फर्जी वोटिंग के आरोप में पीठासीन अधिकारी पर मुकदमा दर्ज करने के यहाँ पर उसके बाद कार्रवाई करने की मांग की। और इस मामले में कुछ महिलाओं ने भी पीठासीन अधिकारी पर आरोप लगाते हुए डीएम से कार्रवाई करने की मांग की है और दोनों ही शिकायतों के बाद डीएम ने एसपी को उचित कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया। कलेक्ट्रेट में हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए थे और एसपी साहब नहीं थे, तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि एडिशनल एसपी को यहां पर भेजा था और डीएम साहब और अपर जिलाधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक तीनों लोगों से बातचीत हुई है कि जो 359 बूथ संख्या जूनियर हाई स्कूल लक्ष्मणा विधानसभा और आई में पीठासीन अधिकारी द्वारा जो फर्जी मतदान किया जा रहा था उसके खिलाफ जिन माताओं बहनों ने एप्लीकेशन दिया है उसका FIR दर्ज कराया जाए किया जाए, तो यह FIR जो है दर्ज यहाँ का पुलिस प्रशासन नहीं कर रहा है और SP साहब ने मुझसे कहा कि मैं विधायक से बात नहीं करना चाहता हूँ, तो वो विधायक की बात नहीं करना चाहते हैं, जनता की आवाज़ नहीं सुनना चाहते हैं, उनको जनता ने सरकार ने यहाँ बैठाया है लेकिन वो जनता की बात सुनने से इनकार कर रहे हैं। और डीएम साहब ने कहा कि मैं कार्रवाई के लिए लिख दूंगा लेकिन FIR करना कराना पुलिस का काम है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस जिस मामले में चाहती है मुकदमा करती है यहाँ की और जिस मामले में नहीं चाहती है उसमें मुकदमा नहीं करती है, यह यहाँ की पुलिस का रवैया है। देखिए, जो कल घटना घटी हुई थी पीठासीन अधिकारी के साथ मारपीट की, उसके बाद आज मुझे मेरे पास मिलने के लिए आए कार्रवाई करने के लिए, तो मैंने कहा कि आप एप्लीकेशन दे दीजिए, मैं पुलिस अधीक्षक को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित कर दूंगा। इसके पहले भी मुझे कुछ महिलाओं की तरफ से एक एप्लीकेशन मिला था, मैंने SP और SDM को कार्रवाई करने के लिए लिख दिया।